Everyone, today we will start the third lecture, fourth lecture of differentiation and exercise 10.3. In 10.3 exercise, we will use the properties of inverse trigonometric functions. So, firstly, revise the inverse trigonometric functions and then you have to see this video, right? Okay, now we are going to start the exercise 10.3 and we will discuss these questions in this video. The first question is y is equal to cos inverse 2x into under the root 1 minus x square. देखिए बेटा, जो ये trigonometry के questions हैं inverse वाले, इन सभी का एक main फंक्शन अंदर, उस फंक्शन का मीनिंग ये है कि आप एक्स को कुछ ऐसा रखो ताकि अंदर क्या बन जाए, बार वाला बार अगर कोस है ना तो अंदर भी कोस बन जाए कैसे भी, और इसके लिए कुछ रफ रूल्स वर्क करते हैं, कुछ रफ रूल वर्क करेंगे। वो रफ रूल्स क्या बेटा, वो रफ रूल्स हैं आपके, अभी ध्यान रखना, जब भी कभी 1 - x² आए तो आप x को या तो साइन थीटा रखेंगे या कोस थीटा रखेंगे, ये रफ रूल है, 99% वर्क करेगा, कहीं कहीं पे काम नहीं करेगा। और अगर इसी की तरह इस a की जगह अगर ऐसा आ जाए a² - x², देन आप x की जगह रखेंगे a साइन थीटा या फिर a कोस थीटा, करेक्ट। और अगर ऐसा आ जाए बेटा 1 + x², then in place of x you will write either tan theta or cot theta, कोई भी एक रख सकते हो, लेकिन इस 1 की जगह अगर a² है then x is equal to क्या हो जाएगा बेटा a tan theta या फिर a cot theta, ये रखेंगे आप, कहां रखेंगे वो मैं बताऊंगा अभी। और अगर ऐसा बेटा x² - a² x² - 1 then x को क्या रखते हैं secant theta या फिर cosecant theta, और अगर ऐसा आ गया x² - a² यानी कि इस 1 की जगह a आ गया then x is equal to क्या हो जाएगा, यही रहेगा, बस a लग जाएगा कि a secant theta या फिर a cosecant theta। ये एक रफ रूल है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, अभी मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन मैं बाद में करूंगा बेटा, पहले मैं इसे ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x इनटू अंडर द रूट 1 - x² पुट x इज इक्वल टू sin थीटा या cos थीटा, कैसे पता लगा, 1 - x² दिखाई दिया मुझे, और जब भी 1 - x² तो x को क्या रखते हैं आइदर sin थीटा और cos थीटा, कोई भी एक रख सकते हो आप, रखो बेटा इसके अंदर, then this becomes cos inverse 2 sin theta and 1 - sin² ना, x की जगह sin लिखा, 1 - sin² cos square, चलो रख के दिखा देता हूं, 1 - sin² theta, now this becomes y is equal to cos inverse 2 sin theta एंड 1 - sin² थीटा, क्या हो जाएगा बेटा cos² थीटा और उसके ऊपर अंडर द रूट, स्क्वायर से अंडर द रूट कैंसिल, cos इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा, करेक्ट। नाउ 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, sin 2 थीटा के इक्वल, करेक्ट, आ गया ये भी समझ में। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस अंदर वाले को ऐसे लिख दिया cos of 90 - 2 थीटा, लिख सकते हैं ना भाई, cos 90 - 2 थीटा sin 2 थीटा होता है, cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो y कितना हुआ बेटा 90 - 2 थीटा। जैसे ये सॉल्व हो जाए, सॉल्व होने का मीनिंग क्या हुआ भाई, इनवर्स फंक्शन और उसके, अब आप थीटा की वैल्यू वापस रखेंगे, थीटा की वैल्यू कहां से रखेंगे, जहां पुट किया था आपने, ये पुट किया था बेटा, तो इधर से थीटा की वैल्यू क्या आई, इस साइन को इधर ले जाओ, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, सो पुट हियर 90 - 2 ऑफ साइन इनवर्स x। अब
डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया, वाई का क्या हो बेटा डीवाई बाई एक्स 90 कॉन्स्टेंट है 0 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है फॉर्मूला बेटा 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, स्टॉप इट। द नेक्स्ट सम इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस वन, अगेन बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो क्या रखा मैंने x को cos थीटा, साइन थीटा भी रख सकते हैं, दोनों से सोल्व हो जाएगा, देन दिस बिकम्स साइन इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स की जगह cos रखा आपने, एंड नाउ दिस बिकम्स साइन इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हुआ साइन स्क्वायर, एंड देन अंडर द रूट स्क्वायर विल कैंसिल आउट अंडर द रूट, देन दिस बिकम्स साइन थीटा, एंड साइन इनटू साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होगा आइडेंटिटी फंक्शन, यू कैन से दे विल कैंसिल ईच अदर राइट, एंड दिस बिकम्स थीटा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा इज कोस इनवर्स एक्स, ये कोस बेटा इधर जाएगा ना तो थीटा इधर जाएगा, और जब ये कोस इधर जाएगा ना तो ये क्या बन जाएगा कोस इनवर्स, नाउ थीटा की जगह क्या रखा कोस इनवर्स ओके। आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहीं की डिफरेंशिएशन कर दो, लेकिन बेटा हमें डिफरेंशिएशन क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन में क्या रखा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन क्या यहां के बाद एक्स बचा हुआ है, एक्स को दिखाई नहीं दे रहा, सो इसका डिफरेंशिएशन तो नहीं हो सकता ना, ये तो थीटा है, मुझे तो इधर एक्स चाहिए ताकि मैं डिफरेंशिएशन कर सकूं, तो मैंने थीटा की वैल्यू वापस एक्स में इधर रखी, एंड नाउ वी विल डिफरेंशिएट। फिर आप एक बात और भी कह सकते हो कि सर स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन कर दो, तो हो तो जाएगा स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे बढ़ जाएगी। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, द डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स इज माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर राइट। देखो इसी क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी होगा एंड शायद आप उसे भी जाओ, आपका आंसर अजीबोगरीब आए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा इसका, dy by dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन अब मेरे पास इधर x नहीं है, x की जगह पे भी है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट का स्क्वायर ओके। ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ ये बताओ, ये हुआ बेटा साइन इनवर्स का, अब साइन इनवर्स के अंदर आए चेन रूल, इसके जैसे ही अंदर आए तो अंडर द रूट दिखाई दिया, और अंडर द रूट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 अपॉन 2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर द रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 लिखे एंड उस अंडर द रूट वाले को एज इट इज नीचे लिख दिया, ये अंडर द रूट का हुआ, किसका डिफरेंशिएशन स्क्वायर रूट का। अब इस स्क्वायर रूट के अंदर आए तो फिर से मल्टीप्लाई चेन रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट फंक्शन के लिए, अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x है ना, 1 का तो 0 माइनस का साइन एंड एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, नाउ दिस बिकम्स माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ये क्या हुआ देखो अंडर द रूट से स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1 से 1 कैंसिल माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर दिस वन एंड एक्स विल कैंसिल आउट एक्स, एट लास्ट योर आंसर इज माइनस एक्स इनटू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया आगे बेटा समझ राइट। अच्छा एक गलती हो गया हमसे, ये ऊपर भी अंडर द रूट है तो ऊपर भी अंडर द रूट है तो ये बचेगा और x से x कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा और वही आ गया आपका आंसर आ गया ना समझ। लेकिन ये क्वेश्चन बाय चांस जल्दी हो गया, अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। चलो एक सम और उठाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया मैंने इसका, y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x plus sin x by root 2, ये क्वेश्चन औरों से थोड़ा अटके है बेटा, और जो क्वेश्चंस हैं उनसे थोड़ा अटके हैं ठीक है ना। ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और ये है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 राइट। अब अटके क्यों है, क्योंकि जो मैंने दो क्वेश्चन किए उनमें कोई ना कोई रूल दिखाई दे रहा था अंदर, खाली x की फॉर्म में था तो बाहर भी ट्रिग्नोमेट्री अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, इस रूट टू को सेपरेट करो, 1 अपॉन रूट टू इंटू कोस एक्स, देन 1 अपॉन रूट टू इंटू साइन एक्स राइट, y इज इक्वल टू देन राइट इन दिस वे,
क्या बोला अपॉन रूट टू को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा कोस पाई बाई फोर, बिल्कुल कोस पाई बाई फोर मीन वन बाई रूट टू है ना, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है वन बाई रूट टू, देन प्लस वन बाई रूट टू की जगह साइन पाई बाई फोर लिख सकते हैं बिल्कुल। एंड अंदर देखिए अभी क्या हुआ, अंदर बेटा फॉर्मूला क्रिएट हुआ किसका, पाई बाई फोर माइनस एक्स का, पता होगा ना कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, कोस ए कोस बी माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी, देन कोस इनवर्स एंड कोस विल बिकम आइडेंटिटी फंक्शन, सो वाई इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस एक्स, नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट सो जीरो माइनस एक्स का क्या हुआ वन, ये आपका आंसर आ गया राइट। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22, इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी देयर इज वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो मैंने रफ रूल बताया था एक ट्रिक बताई थी रफ ट्रिक वो काम कर रही है, तो जब भी वन प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स को क्या रखते हैं या तो टेन थीटा या कोट थीटा, मैंने कोट थीटा रखा, सो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आप टेन थीटा रखेंगे तो भी काम करेगा, वन अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, नाउ दिस बिकम्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बेटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायर सेंटर रूट कैंसिल, सो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन कोसिकेंट थीटा, सो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन कोसिकेंट क्या हुआ साइन थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तो वाई क्या आ गया थीटा, अब वाई की वैल्यू आप थीटा की वैल्यू वापिस रखो बेटा, द वैल्यू ऑफ थीटा इज इधर ले आओ कोट को, क्या आएगी कोट इनवर्स एक्स, एंड नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, कोट इनवर्स एक्स का क्या होगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आंसर आ गया आपका आ गया समझ। ओके बेटा आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, तो आप क्वेश्चन ट्राई करना एंड जो भी पीछे के हैं उनको रिवाइज भी करना, ओके बेटा थैंक यू।